भाई जान आग जैसे ही लगी हम तो बेकाबू हो गए एकदम। हम दुकान पर सकून के फ्रंट पे बैठे हुए थे, पता ये चला कि पीछे आग लग गई है पीछे की दुकान में। हम यहाँ से पीछे गए उसको बचाने के लिए ना, जब जाके देखा वो बेचारे के आधे बाल जल चुके थे। उसको देखा तो उस बेचारे को बाहर निकाला, पानी का कूलर यहाँ रखा होता पानी का कूलर अंदर मंगवाया, सिर्फ पानी का कूलर डालने की जहमत भी नहीं हुई, आग एकदम शोला ऐसा बाहर आया है। उसमें तकरीबन जितनी स्पीड के हो मैं कहता हूँ कम है, वो आग एकदम इधर आई है दीवार पे लग के, वो जो शटर का खांचा होता है उसमें आग अंदर आई है। अंदर हमारे गद्दे रखे हुए थे, हम यहाँ भी नहीं खड़े हो पा रहे जहाँ पे अभी खड़े हुए, हम जितना बचा सकते थे बचा रहे, लेकिन उसके बाद जब देखा आग बेकाबू हो गई है तो तमाम लड़कों को बाहर हमने बाहर निकाला, सब बाहर आ जाओ अब कुछ नहीं हो सकता, सबको बाहर निकाला। यहाँ हमारी सारी बाइकें रक्षे सब खड़े हुए थे, सब बर्बाद हो गए। फायर ब्रिगेड का अमला जो आया तकरीबन मेरे हिसाब से 45 मिनट में आया है यहाँ, और आई भी दो गाड़ियाँ आई हैं सर आगे, उन्होंने लग और पानी में प्रेशर नहीं था, पानी ख़त्म हो रहे थे बार बार, और जब गाड़ियाँ आई हैं उसके बाद जो आग पे तकरीबन काबू पाया तो साइड में गए हैं, उसके बाद जाके वो शाम तक पानी लगाते रहे लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। अगर बस वक्त 5 मिनट की ड्राइव नहीं है सर, ये फायर ब्रिगेड और यहाँ में सर आपको 5 मिनट में गाड़ी आती है, 45 मिनट में आने का मकसद आप सबको पता, आदमी उसके आगे बोल नहीं सकता। उसके बाद नेवी की सर आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है, जाने बची हैं और सांसें हैं बस, जाने हमारी गई सिर्फ सांसें हैं और कुछ नहीं है बस। जब आप पूछिए तो हमारे सबके रोजगार चले गए यार, अब पता नहीं 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में कब होगा हमें नहीं पता भाई। अरे भाई रबते क्या करो, उल्टा के लोग दूसरे रबते कर रहे हैं, किसकी थी क्या था, अबे भाई बचाओ और कुछ नहीं हो सकता। गरीब आदमी का काम है मरना, वो कसम से मरेगा। अब जो मस्जिद जो रह गए ना ये भी मरेंगे, जिन बचेंगे नहीं सांसें हैं तेरी और कुछ नहीं है भाई, जो तन पे है ना यही है, इसके अलावा कसम से मोबाइल भी नहीं उठा पाए अपने बच्चों के या कुछ किसी से रबता कर ले, घर वाले परेशान सब बर्बाद, बस इसके आगे क्या बोलें भाई। अरे क्या मुतालबा करेंगे, बस हमारा रोज़गार जल्दी फराम कर दिया जाए, हम और कोई मुतालबा नहीं करते भाई, बस इसके आगे कुछ नहीं कह सकते भाई। मार्केट को सील ना किया जाए, वरना हम वैसे ही मर चुके हैं, हमें अगर मारना है तो वैसे ही मार दो, सही है ना। हम तो लोगों की मदद कर रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे, ये मेरा पूरा हाथ जला हुआ है, ये दिखा सकते हैं आप, लोगों की मदद करते हुए ये मेरा हाथ जला है, सही है। हमने तो अपनी भी जान की परवाह नहीं की, ना अपने माल की परवाह की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट इसको सील करेगी तो भाई हमें वैसे ही जिंदा मार दिया जाएगा, सही है। हम तो मर चुके हैं लेकिन और मजीद हमें मार दिया जाएगा सर। इसमें मैं आपको बोलूँगा फायर ब्रिगेड की सारी कोताही है, हमने मुसलसल फायर ब्रिगेड को बुलाया है लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 45 से 46 मिनट के बाद गाड़ियाँ आई हैं, यहाँ रोडों पर मैंने बच्चों को निकाला है, लेडीज़ को निकाला है, सही है ना। उसके बावजूद भी मतलब फायर ब्रिगेड को बुला रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, कोई नहीं था, मतलब हम बिल्कुल लावारिस थे। उसके अलावा जो हम अपना माल बाहर निकाल के रख रहे थे वो हमारा माल जो है लूट के ले गए लोग, ये कराची वाला कभी भी नहीं करेगा, ये गैर मुकामियों का काम है। हम कराची वाले एक दूसरे की मदद करते हैं लेकिन ये कौन अनासिर थे जो हमारा माल भी लूट के ले गए। किसके लिए कह रहे हैं आप, जो ये बड़े बड़े आपके आए हैं बताने कौन कौन है। अच्छा वाक्य किस तरह हुआ तो थोड़ी डिटेल बताएगा। नहीं जानता हूँ मैं, खाना खाने गया था, छोटा भाई मेरा बैठा हुआ था, तो एक आदमी तो नहीं 24 घंटा बैठे 12-18 घंटा बैठेगा दुकान पे। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो तकरीबन 30-35 लाख का हुआ है। अच्छा, फायर ब्रिगेड जो है वो टाइम पे पहुंच गई? 25 मिनट में बिल्कुल। फ़ोन किया था आप लोगों ने? नहीं फ़ोन हमने नहीं किया था और किसी ने किया होगा, 25 मिनट में पहुंची है। अच्छा, फायर ब्रिगेड। तो कोई हुकूमत में से कोई पूछने आया आपको? हुकूमत में कौन हुकूमत है, हुकूमत खुद उठाए गिरे हैं, ये खुद उठाए गिरे जो आए, कौन हुकूमत है यहाँ पर बताए ना। हुकूमत तो इंसाफ करते हैं, इंसाफ लेते हैं, ये लूटते हैं इंसाफ को। तो अभी क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछें जरा कि क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे क्या करेंगे, क्या ये करेंगे। ये तो कहेंगे जो बचा है वो भी हमें दे दो, जो चल के बचा है, ये तो वो लोग हैं।